नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का विवादित वीडियो सामने आने के बाद जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को छह राज्यों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं अब उसके भाई का भी एक जहरीला वीडियो सामने आया है। शर्जील का भाई बिहार के जहानाबाद में भीड़ को भड़काते दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने शर्जील के भाई को हिरासत में ले लिया है। उधर शर्जील के खिलाफ दिल्ली, यूपी, बिहार, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में केस दर्ज होने के बाद अब शर्जील की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस भी छापेमारी कर रही है। तो शर्जील इमाम का भाई मुजम्मिल इमाम अब पुलिस की हिरासत में है। बिहार के जहानाबाद में लोगों को भड़काते हुए एक वीडियो शर्जील के भाई का भी सामने आ चुका है। हमने आपको दिखाया था कि शर्जील इमाम किस तरह से देश के खिलाफ जहर उगल रहा है, देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है। अब कुछ उसी तरीके की बातें उसके भाई की भी जुबान से सुनिए। आज ये लड़ाई सिर्फ एनआरसी और एनपीआर की नहीं है, ये त्याग है। अंसारी शेख प्रधान करना छोड़ने से का वास्ता है। अपने हाथ में कुरान उठाओ, रात से ऐद करो, ये भूल जाएंगे रात से हम। क्या खुदा तुम्हें बर्बाद करने वाले तुम खुद हो। कोई गैर मुस्लिम कोई काफिर को हम इल्जाम नहीं दे सकते, तुम्हें बर्बाद करने वाले तुम खुद हो। अगर तुम में इतिहास पैदा हो गया, किसी सरकार की मजाल नहीं तुम हमारे घर से। जहानाबादिया अभी सवा लाख है, अगर सवा लाख में 70,000 लोग भी कागजात नहीं देते तो माननीय नीतीश कुमार जी मोदी जी कहाँ ले जाइएगा। काको जेल में तो 2,000 से ऊपर भरते नहीं, पटना जेल में 2,200 की तादाद है, ले कहाँ जाएंगे हुजूर।